नांगल खापनी रोड तक के बोहर गांव में हुई किसानों की बैठक। टिकनी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में नांगल खापले भी बढ़ चढ़ कर लेंगे भाग। खबर हरियाणा प्रदेश की शाम न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। नांगल खाप की बैठक शनिवार को रोहतक के बोहर गांव में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता खाप के प्रधान ओम प्रकाश नांगल ने की, जबकि भारतीय किसान यूनियन भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अनिल नांगल प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। नांगल खाप की इस बैठक में किसान आंदोलन पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें तय हुआ कि किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान की जाएगी और चिकनी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में नांगल खाप बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई जाएगी। नांगल खाप ने मेरे गाँव बोर ने जो मेरे को इतना मान सम्मान दिया, जो मैं इतने दिन से इतनी आवाज उठा रहा था किसानों की, इस समय मैं सबसे पहले तो अपने गांव का नांगल खाप का धन्यवाद करता हूं। जो हमारा पंचायत बाज निर्णय हुआ है, कल हम 11 बजे नांगल भवन से ट्रैक्टरों के काफिले के साथ अपना नांगल खाप का टेंट लगा के धरने के ऊपर टीकरी बॉर्डर के ऊपर, जब तक यह आंदोलन चलेगा तब तक नांगल खाप का आदमी वहां से वापिस नहीं आएगा। ये काले कानून सरकार वापिस नहीं लेगी, तब तक वही नांगल खाप का टेंट लगा रहेगा, नांगल खाप वही मौजूद रहेगी। हरियाणा में जिस तरह से हाई अलर्ट घोषित किया गया, क्या भाई धरने खत्म करो, अलग अलग जगह पे चल रहे टोल प्लाजा जो फ्री करो। देखो जी, हमारे ऊपर भी दबाव आ रहा है, आपने तो बताया है करनाल का रात्रि जाके चालू करवा गया अदालत वापिस, वहां पर हमने लगवा दिया था अपना भंडारा भी चालू करवा दिया, दोबारा आरओ भी करवा दिया, अपना डीगल वाला चालू करवा दिया, मकड़ोली टोल तो खुला ही नहीं था, अपना ये रोड वाला है वो भी चालू करवा दिया हमने। कोई भी पूरे देश का जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, कोई टोल फ्री नहीं करा जाएगा जी, टोल अपने वसूले नहीं जाएंगे, सभी व्हीकल फ्री निकलेंगे वहां के जी। हमारा यही सभी से आग्रह है, सभी भाई छत्तीस बिरादरी के इस आंदोलन में, जन आंदोलन में बढ़ चढ़ कर साले और किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करें, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव बने, सरकार इनको काले कानून को वापस ले ले। धन्यवाद जी।